पवित्र रमजान महीना जो है शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपील की है कि लोग घरों में रह कर ही नमाज अदा करें। हम लोग खड़े हैं धमतला स्थित टीपू सुल्तान मस्जिद में। यहाँ के शाही इमाम ने भी बताया कि सभी जो शाही इमाम हैं उन्होंने इस पर निर्णय किया कि मस्जिदों में इस बार जो है नमाज न अदा करके लोग घरों में ही नमाज अदा करें, ताकि जो कोरोना वायरस की जंग है उसमें सभी लोग जो है मिल करके इसका जो है निवारण कर सकें, साथ ही कोरोना वायरस की जंग में सभी लोग शामिल हो सकें। हम लोगों ने तमाम इमाम मसाजिद ने तय किया और तमाम मुसलमानों ये अहद कर रहे हैं, इस पर अमल भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कहने पर और ममता बनर्जी के कहने पर हम लोग तमाम 4-5 आदमी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और बाकी लोग जो है अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले तरह रमज़ान की तरह इस साल रौनक नहीं है, क्योंकि रमज़ान एक साल का त्यौहार है, इसमें बहुत से गरीबों को भलाई होती है और इसमें ज़कात खैरात भी दिया जाता है। लेकिन इस मरतबा जो है सो वज़ीर आज़म के कहने पर जो कोरोना आया हुआ है उसके लिए तमाम हिंदू मुसलमान मिलकर के इसको भरपूर हिमायत कर रहे हैं और हम लोग भी इसका तायद करते हैं। सन्मार्ग की टीम भी सभी लोगों से अपील करती है कि वह घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही कोरोना वायरस को हरा करके हम जो है इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में कामयाब हों। कैमरामैन रवि के साथ संयुक्त त्रिपाठी, सन्मार्ग, धमतला।